नमस्कार प्रणाम, मैं आपका भाई शुभम। कैसे आप सब? बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे अपने भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह जी की फिल्म सूर्यवंशम के बारे में। अभी मैं हॉल से देख के निकल रहा हूँ फिल्म, तो थोड़ा सा उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उस पर चर्चा करने से पहले काम की बात पर चर्चा कर लें। दोस्तों, हमारे आरा के एक भाई है जिनका नाम शुभम सिंह है, मेरा ही नाम, उनका भी नाम है सेम। उन्होंने एक न्यू स्टार्टअप किया है जिसमें हमारा सपोर्ट उनके साथ है, डॉक्जा पॉइंट करके एक एप्लीकेशन उन्होंने बनाया है, जो कि एप्लीकेशन बहुत, वो एप्लीकेशन से मतलब बहुत बेनिफिट है भाई। डॉक्जा पॉइंट एप्लीकेशन है, बहुत बेनिफिट है। आरा के रहने वाले हैं और आरा में ये सर्विस अवेलेबल है। इससे फायदा क्या है, इस एप्लीकेशन से फायदा क्या है, ये बताते हैं। इस एप्लीकेशन से ये फायदा है कि अगर आरा के आप हैं, आरा के अगल बगल जहां से भी बिलोंग करते हैं, और अगर आपको आरा में किसी डॉक्टर से चेकअप करवाना है या फिर उनसे उनके पास जाना है अपॉइंटमेंट के लिए, तो आपको वहां पे जाके नंबर नहीं लगाना पड़ेगा। डॉक्जा पॉइंट, जो कि इजीली प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, डॉक्जा पॉइंट प्ले स्टोर पे डालिएगा नाम तो आ जाएगा। हालांकि मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसमें फायदा ये है कि आप इस ऐप से अगर आपको नंबर लगाना है, आरा के जितने भी डॉक्टर हैं इस ऐप से शुभम भाई से टाई अप है। आपको आरा के किसी डॉक्टर से अगर चेकअप करवाना हो तो आप उस ऐप में जाइए, अपॉइंटमेंट के लिए उस डॉक्टर का नाम डालिए, फॉर्म फिलअप करिए, पैसा पेड करिए, आपका नंबर यहीं से लग जाएगा। और हाँ, इसमें यह भी अवेलेबल है, आप जिस समय चाहिए उस समय नंबर लगा सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे मैं सुबह नहीं जा पाया, मुझे शाम को टाइम है, तो मैं शाम का ही नंबर लगा के वहां पे फॉर्म में टाइमिंग दे दूंगा। ये इसमें खासियत है, वहां पे सारे डॉक्टरों से टाई अप है। मैंने फोटो भी देखा, भाई को आरा के एसपी के द्वारा भी सम्मानित किया गया, आरा के डीएम के द्वारा भी सम्मानित किया गया। बहुत बड़ी बात है, न्यू स्टार्टअप है, हमारा सपोर्ट आपके साथ है हमेशा के लिए हर जगह। बहुत अच्छा ये रिस्पॉन्स भी मिला इस एप्लीकेशन को, तो आप सब इंस्टॉल करिए। आप आरा के हैं तो, या फिर आरा के अगल बगल से भी हैं तो, पटना से भी हैं तो आप इंस्टॉल कर सकते हैं इजीली। इस ऐप के थ्रू आप अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं और जाकर चेकअप करवा सकते हैं। तो जाइए इंस्टॉल करिए। अब बात करते हैं सूर्यवंशम फिल्म के बारे में। भाई लाजवाब फिल्म है, धाकड़ फिल्म है, पारिवारिक फिल्म है, जबरदस्त फिल्म है, फाड़ू फिल्म है, एक्शन से भरपूर है, कॉमेडी भी है, ड्रामा है, रोमांस है, हर चीज है। लोग कह रहे हैं इसमें बबुआन वाला गाना है, तो ये जातिवाद हो रहा है। अरे भाई, जातिवाद होता तो फिल्म का नाम जातिवाद पे रखते हैं, यहाँ बबुआन जी गाए सूर्यवंशम रखा। जातिवाद का बात नहीं है, होता है, सब गाते हैं। और ये गाना थोड़ा सा एंटरटेनमेंट के लिए है, गांव में नहीं होता है। हम जादव जी हैं तो हम बाबू साहब हैं, तो हम भूमिहार हैं, हम पंडित जी हैं, तो थोड़ा सा अपना रूप, तो वो सारी चीजें, थोड़ा गांवटी टाइप का फिल्म इसको दिखाया गया, वो मायने नहीं रखता। अगर जातिवाद होता तो भाई तो फिल्म का नाम ही जाति पे रख देते, बबुआन जी, अहिरान जी, पंडितान जी, नहीं तो ये सारी चीज नहीं है। फिल्म लाजवाब और फिल्म के गाने भाई, उसमें एक जो बाबूजी वाला गाना है इस फिल्म में, हाय क्या गाया है बॉस, क्या गाया है। आप एकदम सलाम है, कोई आपका तोड़ नहीं है, आपके सामने कोई नहीं टिक सकता गायकी में, ये तो लिख के आपने दे दिया इस फिल्म में, प्रूफ भी दे दिया। बहुत लाजवाब फिल्म है, आप सब जाकर देखिए। स्पेशली आस्था सिंह जी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन यार, फर्स्ट फिल्म, क्या लाजवाब एक्टिंग किया है यार, क्या लाजवाब एक्सप्रेशन है, क्या लाजवाब एक्टिंग है। ऐसा ही आगे बढ़िए, खूब नाम करिए, खूब फिल्में करिए, खूब गाने करिए, खूब आगे बढ़िए। ऐसे ही अपने भोजपुरी इंडस्ट्री का नाम रोशन करिए। ऐसी ऐसी हीरोइनें चाहिए हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री को, नीड है हम लोगों को। मजा आ गया, सूर्यवंशम फिल्म जाकर देखो। और क्या क्राउड था भाई, कौन बोलता है क्राउड नहीं है। मैं सिनेपॉलिश में गया था, पीएनएम मॉल पटना, क्या क्राउड था, क्या लोग चिल्ला रहे थे जब भैया की एंट्री हुई, या फिर फिल्म के एक एक पार्ट में लोग चिल्ला रहे थे, क्राउड चिल्ला रही थी पवन सिंह को देख के, पवन भैया को देख के, इधर घुमा लीजिए, पवन भैया को देख के लोग चिल्ला रहे थे, लोग बोल रहे थे, क्राउड मतलब क्या, कहीं भी बोरिंग सीन नहीं था कोई भी, सारा एंटरटेनिंग था, मजा आया। आप भी जाइए सूर्यवंशम देखिए आपके नजदीकी सिनेमाघरों में, फाड़ू फिल्म रिकॉर्ड बनाएगी। चलिए, लव यू ऑल, बहुत बहुत नमस्कार।